तो हेलो व्यूअर्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं 83 मूवी के बारे में। मैंने देखी 83 मूवी आज और काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है बनाई हुई है। आप कतई बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखते हुए। अगर बात करें रणवीर सिंह के काम की, तो अगर उनका आप लुक देखोगे, आप देख सकते हो उनका जो लुक नज़र आ रहा है इस मूवी में, वो डिट्टो कपिल पाजी की कॉपी नज़र आ रही है। सही में बात कर रहा हूँ, कपिल पाजी की इतनी अच्छी लुक उनको दिया है और एक्टिंग भी सूट कर दी है। आप एक भी सीन अगर आप मैच करोगे पुराने कपिल पाजी से, तो आप बोलोगे ये तो कॉपी पेस्ट हुआ है। ऐसा अगर देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग रणवीर सिंह ने इस मूवी में दिखाई है। तो अगर बात करें रणवीर सिंह की, तो आपको पता ही है रणवीर सिंह जिस भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं वो एकदम 100% देते हैं हर एक रोल को। तो अगर बात करें दीपिका पादुकोण की, तो उनको ज़्यादा रोल नहीं मिला है। अगर आप देखोगे मूवी तो उनको मैं तो बोलूँ उनको रोल ही दिया है नहीं, बस वो छोटे मोटे रोल उनको मिला है उसमें, ज़्यादा उनको स्क्रीन दिए नहीं। उनको ज़्यादा स्क्रीन मिलती तो और मज़ा आता था, लेकिन चलता है ठीक है। क्योंकि अगर ये मूवी बेस्ड है कपिल पाजी के बायोपिक पे, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा रोल हमें इनका नज़र आएगा, यानी कि रणवीर सिंह का नज़र आएगा। तो अगर बात करके अदर कैरेक्टर्स की, तो अदर कैरेक्टर्स ने भी काफ़ी तगड़ा काम किया है। जो लास्ट में सीन बताए गए हैं सिमिलर, तो अगर वो मैच करेंगे आप रियल टाइम एक्टर से, तो काफ़ी सिमिलरिटीज आपको इस मूवी में नज़र आएगी। तो ओवरऑल मूवी भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, पूरी की पूरी पैसा वसूल है। लेकिन जो 3D सेक्शन उन्होंने बताया था कि ये मूवी 3D में है, तो मुझे ज़रा भी कोई भी फील नहीं आया ये 3D में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2D में देख कर ही इस मूवी को काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप इसे ज़रा भी 3D में देखना ना जाए, क्योंकि 3D में पैसा वेस्ट हो जाएगा। 3D में ना ही देखे 2G में, 2D में आपको काफ़ी मज़ा आएगा मूवी देखने में। तो मूवी तो काफ़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। कैरेक्टर्स ही तो आपको पता है, ये सारे जो कैरेक्टर्स लिए हैं उन्होंने, वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट है। हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन हमें इस मूवी में नज़र आ रहा है। अगर बात करें इस मूवी की कि आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं, कि 101% आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि जो एक्टर्स ने अपनी 100% एक्टिंग दी है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप कतई इस मूवी को देखने में बोर नहीं होंगे। जो एक्टर ने काम किया है, जो डायरेक्शन है, जो स्टोरी लाइन है, एवरीथिंग वॉज फैबुलस। तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए आपकी फैमिली के साथ। मैं इसे 100% रेकमेंड करूँगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।